हेलो दोस्तों, किस्से की शुरुआत सांटोरिनी आइलैंड ग्रीस से होती है, जहां तेज भूकंप बहुत साल पहले घूम लूना टेंपल को फिर से कहीं समुन्दर की गहराई में ले आता है। अलेक्जेंडर ने इस मंदिर को अपनी बेशकीमती खजाना ग्लोइंग ऑर्ब को छिपाने के लिए बनवाया था। लारा को समुन्दर की गहराइयों में कहां पर लूना टेंपल है जियोलॉजिकल मैप से पहले से पता है, तो अपनी दो साथियों के साथ वहां जाती है और ऑर्ब ढूंढ लेती है। मगर लो ब्रदर्स यहां घात लगाकर उन पर हमला करते हैं और ऑर्ब को ले लेते हैं। लारा बड़ी मुश्किल से अकेली यहां से सतह तक आती है। बहने के दौरान हिलारी और ब्राइस उसे ढूंढ लेते हैं। डॉक्टर जनाथन राइस प्राइवेट जेट में मीटिंग के दौरान गद्दा मिस्टर मोंजा को एक्सीलरेटेड इबोला से मरवा देते हैं। क्राफ्ट मैनर में MI6 के एजेंट्स लारा को लो ब्रदर्स के बारे में बताते हैं और ऑर्ब को रईस तक जाने से रोकने को भी कहते हैं, क्योंकि ये पांडोरा बॉक्स पाने का नक्शा है। लारा MI6 के मदद से टेरी को बार्लाकाला जेल से छुड़ाती है, जो लो ब्रदर्स के काम के तरीकों को अच्छे से पहले से जानता है। लारा और टेरी चाइना जाते हैं और चेल्लो को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ढूंढने के दौरान लो के आदमी उन दोनों को बांधकर चेन के पास लाते हैं। लारा चेन को ऑर्ब के बदले रईस से ज्यादा पैसा ऑफर करती है, पर जब चेन नहीं मांगता दोनों के बीच लड़ाई होती है और चेन मारा जाता है। मगर यहां से ऑर्ब शंघाई में जियान के पास है वो पता चलता है। लारा और टेरी ऑर्ब को जियान से रईस तक जाने से रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर जियान रईस को ऑर्ब देने के दौरान रईस उसको गोली मार देता है, पर लारा सफलता के साथ ट्रेसर बॉक्स पर लगा देती है। फिर लारा और टेरी दोनों हांगकांग की वही लैब में पहुंच जाते हैं। ऑर्ब से नक्शा जानने के दौरान रईस के आदमी लारा को पकड़ लेते हैं। रईस के बाद से लारा को उसके मंसूबे समझ में आ जाती है। टेरी लारा को बचा लेता है और दोनों ऑर्ब के साथ विंग सूट पहनकर वहां से भाग जाते हैं। जहाज में लारा टेरी से रईस को ना मारने की वजह पूछती है, लेकिन जब टेरी के बातों पर लारा को भरोसा नहीं होता, अकेली ऑर्ब के साथ वहां से चली जाती है। अगले दिन ऑर्ब का इस्तेमाल कर लारा क्रेडल ऑफ लाइफ का लोकेशन जान लेती है। ब्राइस को ये बात बताने के वक्त क्राफ्ट मैनर में पहले से मौजूद रईस को भी लोकेशन का पता चल जाता है। केनिया में लारा अपनी दोस्त कोसा के मदद से वहां के आदिवासियों के प्रमुख से बात करती है और वो उसे शैडो गार्डियन के बारे में भी बताते हैं। कोसा और कुछ आदिवासियों के साथ मिलकर आगे बढ़ने के दौरान रईस उन पर हमला करता है और सभी आदिवासी मारे जाते हैं। कोशा को बंधक बनाकर रईस लारा को क्रेटल ऑफ लाइफ तक ले जाने को मजबूर करता है। क्रेटर में बहुत सारे शैडो गार्डियन हमला करते हैं, जिससे रईस के सारे आदमी मारे जाते हैं, लेकिन लारा की होल में ऑर्ब डाल देती है, जिससे शैडो गार्डियन डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और क्रेडल ऑफ लाइफ को रास्ता खुल जाता है। लारा और रईस एक लैबिरिंथ में है जो अजीब सी क्रिस्टलाइन मटेरियल से बना है। थोड़ी अंदर एक ब्लैक पूल होती है जो हाईली कोरोसिव एसिड है और उसमें पांडोरा बॉक्स तैर रही होती है। रईस लारा को बॉक्स लाने को कहता है, पर लारा उसे चकमा देकर भाग जाती है और बाद में लड़ाई के दौरान लारा उसे ब्लैक एसिड के पूल में गिरा देती है और वो मर जाता है। फिर जब टेरी बॉक्स लेने के अपने इरादे को बयान करता है तो लारा उसे मना करती है, पर ना मानने के वजह से उसे गोली मार देती है और बॉक्स को फिर से एसिड पूल में छोड़कर वहां
वहां से बाहर निकल आती है। बाहर निकलने पर वो प्रमुख से कहती है, कुछ चीजें ना पाने के लिए ही होती है, और मेटालियन भी उन्हें सौंप देती है। फिर सब वहां से निकल जाते हैं और हमारा अफसाना यहीं पर खत्म होता है।